All right, from the national capital, let's shift our focus also to a lot of action that's being reported from West Bengal. Remember, we've seen the Hanuman Jayanti celebrations even in Bengal, but again, we've seen a showdown here between the BJP and the ruling police there. Now, what really happened is that the BJP MP, Lokit Chatterjee, was wanting to offer her prayers at a Hanuman temple in Bansberia. This is again in the Hooghly constituency that belongs to her, but she was stopped. The police said that she has no permission to do the same. And this is where she alleged that without any notice, without any warning, she's not been allowed by the district administration to offer her prayers. We also spoke to her a little while earlier. मुझे पूजा देने के लिए एटलीस्ट जाने दीजिए क्योंकि ऐसे करके रोकना भी ठीक नहीं है और वो लोग जो कारण दिखा रहे हैं बोले कि आई एम द आउटसाइडर आई एम नॉट द आउटसाइडर आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई रिप्रेजेंट हुगली 16 लाख वोटर्स का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ मैं पार्लियामेंट में जाके हुगली के विषय को लेकर बोलती हूँ तो आउटसाइडर कैसे हो सकते हैं ये जो बोल रहे ठीक नहीं बोल रहे हमारे पास भी ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है इसमें किसी जगह में लेके नहीं लिखे है कि कोई लीडर कोई पॉलिटिकल लीडर कोई सांसद शोभा यात्रा में नहीं जाएंगे ऐसा कुछ लिखा नहीं है मैंने थोड़ा सा बोला थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप लोग आप तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए ऊपर में बोलिए बस हम लोग जाएंगे हनुमान मंदिर में पूजा दिखा हम लोग को रोक के हनुमान जो जिसका धर्म है वो नहीं जाएंगे क्या सब लोग जाते हैं सबका धर्म मुख्यमंत्री अपने आप बोलते हैं कि अपना धर्म सबके साथ अपना अपना है लेकिन उत्सव सबका होता है तो यहाँ पे धर्म के लिए हम लोग मनाने नहीं जाएंगे ये क्या बात हो गया So you just heard those allegations by Lokit Chatterjee. We'll have to wait and see what the police has to say about this. But I'm told Tanaya also joining us live and she joins us from Hooghly. Tanaya, why don't you tell us of what really happened? Now, is this just a political showdown that we've seen in the last many, many days? Who's trying to provoke? And how has the law and order been today, considering that the High Court literally had pulled up the Mamata Banerjee government, the result of which we have also seen the deployment of the central forces there today for the celebration of Hanuman Jayanti? रैली है जिस रैली में लॉकेट चटर्जी थोड़ी देर पहले आए थे और उनका यहाँ पर इनविटेशन था यहाँ के लोकल जो एमपी है बीजेपी एमपी लॉकेट चटर्जी वो है तो इसीलिए उनका इनविटेशन था लेकिन पुलिस यहाँ का जो स्टेट पुलिस है स्टेट पुलिस उनको रुक दिया थोड़े पीछे जहाँ पर मेन रास्ता था बांसबेड़िया का वहीं पे रुक दिया और बोले कि वो आउटसाइडर है या फिर बहिरागत जो अभियोग लॉकेट चटर्जी ने किए थे और उसके बाद जो गवर्नर है गवर्नर के पास भी उनका फोन गया था कि बहिरागत तो कह के उनको यहाँ पे नहीं आने दिया पर ये जो रैली का अभी विजुअल मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजशेखर ने राजशेखर दिखा रहा है कि यहाँ पर बहुत बहुत सारे लोग आए बहुत महिलाएं हैं और बहुत पुरुष हैं लोग हैं और बहुत सारे पुलिस है जैसे कि दिखाई दे रहा है पहले से यहाँ पर स्टेट पुलिस जैसे है वैसे ही सिविक वॉलंटियर जो यहाँ के सिविक वॉलंटियर है और उसके आसपास जो लोग दिखाई दे रहा है बहुत सारे यहाँ के लोग ही जो लोगों ने कर रहा है और मैं थोड़ा सा उनके साथ ही बात करना चाहूँगी यहाँ पर आपका जो ये हनुमान जयंती का पूजा हो रहा है यहाँ पर लॉकेट चटर्जी को आने वाले थे लेकिन हमारे यहाँ पर जो लॉकेट चटर्जी सुकांत मजुमदार को आने वाले थे बड़े पड़ा मोड़ से सबको घिर कर अटका रखा मेरे प्रोग्राम में भी आने का उसका उत्साह था लेकिन उसको आने नहीं दिया इसका हम घोर निंदा करते हैं इस प्रशासन पर इस सरकार पर हम एक धर्मीय अनुष्ठान के लिए हम हिंदू है अब सब हिंदू एक करने के लिए प्रोग्राम करता है इस प्रोग्राम में हम और सांसद को नहीं आने दिया इसका हम घोर विरोध करते हैं जय श्री राम स्टेट पुलिस बोल रहे थे कि वो आउटसाइडर है इसीलिए उनको यहाँ पर आने नहीं दिए वो हमारा एमपी है इस मोहल्ले का एमपी है वो इस मोहल्ले का प्रोग्राम चल रहा है उसका उसको घुस नहीं दिया कहाँ का ये है नहीं ये कहाँ का नियम है एक सांसद एक जनता एक जनता सबने वोट देकर उसको चुनाव में खड़ा किया जीता उसके बाद हमारे पास आने नहीं दे रहा है हमारा सुख दुख के लिए एमपी है एमपी आउटसाइड की कोरा होते पड़े एमपी तो एकांकर सांसद एकांकर जीते उन्हीं सांसद हो चाहे एमपी आउटसाइड की कोरा होते पड़े पुलिस प्रशासन काल के तक ये रैली टके जाते ना हो তার জন্য যত সম্ভব ওরা জোরপূর্বক চেষ্টা করেছিল আমরা বলেছিলাম যে না র্যালি হবে এবং হচ্ছেও আজকে র্যালি কিন্তু পুলিশ প্রশাসন
हाईकोर्ट का जो परमिशन था या हाईकोर्ट से जो बोला गया था तो वो सब आप लोग मान के फिर रैली कर रहे हो? सब कुछ मान के चल रहे हैं, पुलिस प्रशासन का साथ दे रहा है, जो पुलिस जो बोल रहा है हम सब कुछ मान के चल रहा है। ओके, बहुत सारे पुलिस तो यहाँ पर दिखाई दिया, तो कैसे लगता है कि यहाँ पर परिस्थिति तैयार होता? पुलिस तो यहाँ पर बहुत है, सेंट्रल टीम भी है यहाँ पे। हाँ, बहुत पुलिस है, लेकिन हमारे पूरा सबको खूब मेंटेनेंस सबको मेंटेन कर चल रहा है, बहुत अच्छे से हमारा रैली चल रहा है। बिल्कुल, ये बात है कि लोकेट चटर्जी को यहाँ पर क्यों आने नहीं दिया, वो यहाँ के सांसद है लेकिन फिर भी पॉलिटिकल कुछ इशू के लिए, पॉलिटिकल कुछ एजेंडा है जिसके लिए लोकेट चटर्जी को यहाँ पर आने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पुलिस जो दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल टीम के पुलिस भी यहाँ पर है, जवान लोग वो भी है, लेकिन फिर भी यहाँ का लोगों का जो इन लोगों का जो अभिजोग है कि लकेट चटर्जी को यहाँ पर आने देने में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो प्रॉब्लम होने का कोई बात ही नहीं था क्योंकि हाईकोर्ट से जो भी बोला गया था तो सब कुछ मान के ही ये लोग रैली का जो ऑर्गेनाइज किया तो सब कुछ मान के ही वो ऑर्गेनाइज किए थे इस रैली का। अब तनाया, आप इन सबसे बात कर रही हैं, इनका क्या कहना है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को भेजा गया है, आज सिचुएशन कैसी रही है? और लॉकेट चटर्जी का ये कहना है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको एक हनुमान मंदिर में वो जाना चाहती थी अपनी प्रेयर्स के लिए, उनको क्यों नहीं जाने दिया गया, इस समय वो कहाँ पर है, और प्रशासन से जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है तनाया, किसी से आपकी बात हुई है, वो क्या रीजन देते हैं? जब वो यहाँ पर धरना में बैठी थी तो लोकेट चटर्जी कह रहे थे कि यहाँ पर सेंट्रल टीम है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ऐसे भी वॉलंटियर है, इतने सारे पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद भी उनको जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन इसका पीछे जो वो बोल रहे थे कि कुछ पॉलिटिकल एजेंडा थे जिसके लिए उनको जाने नहीं दिया, लेकिन हिंदुओं का ये जो उत्सव है उस उत्सव में उनको इन्विटेशन दिए थे, फिर भी जाने नहीं दिया उनको। और इस बारे में वो जो गवर्नर है आनंद बोस के पास जाएंगे ऐसे बोल रहे थे, और जाने के बाद उनसे बात होगा कि यहाँ पर इतना सारा पुलिस थे, सेंट्रल फोर्स थे, फिर भी उन्हें जाने क्यों नहीं दिया। और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी बोल रहे थे कि लॉकेट चटर्जी आए थे, यहाँ का सांसद है, लेकिन फिर भी उनको रोक दिया गया, उनको यहाँ पर आने नहीं दिया, ये अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी यहाँ के लोग वो लोग बोल रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट जो बहुत सारे पुलिस यहाँ पे दिए थे उसके बावजूद क्यों नहीं लकेट चटर्जी को यहाँ पर आने दिया, क्यों नहीं आने दिया कि यहाँ के जो सांसद है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उनको नहीं आने दिया, इसका कारण क्या है, इसका कारण खुलासा होना चाहिए, यही बोल रहे थे ये लोग। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे रैली में जो लोग आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं थोड़ा सा उनसे भी बात करना चाहूँगी, उनका जो भावना है और लकेट चटर्जी को यहाँ पर नहीं आने दिया, क्यों नहीं आने दिया, आपसे थोड़ा बात करना था, हेलो, आपसे थोड़ा बात करना था, लॉकेट चटर्जी को यहाँ पे आने नहीं दिया, रुक दिया थोड़ी देर आगे, ये बात तो आप अच्छी तरह से ले रहे हो, लॉकेट चटर्जी को यहाँ पर आने नहीं दिया, आपके सांसद है वो थोड़ी देर पहले उनको रोक दिया था, मालूम नहीं यहाँ पे